देख रहे हैं जी संगम, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। सियासत में कई बार पिटे हुए फॉर्मूले भी कामयाबी का नुस्खा बन जाते हैं। शायद इसी मुहावरे पर यकीन करके दो दशक पहले नाकाम हुए एक फॉर्मूले को दोबारा आजमाने की कोशिश हो रही है। हम बात जनता परिवार की कर रहे हैं, जिसका एक झंडे के नीचे आना फिर तय हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं, सवाल ये है कि क्या वाकई जनता परिवार गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी सियासत का एक मजबूत विकल्प बन पाएगा? क्या वाकई अलग अलग सोच, अलग अलग महत्वाकांक्षा पाले रखने वाले दिग्गज एक साथ एक सोच पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे या साथ चल पाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब समझने की कोशिश करेंगे आज की इस विशेष पेशकश में। तो जी संगम की खबर पर मुहर लग गई है। जी संगम ने पिछले साल सितंबर में बता दिया था कि बिखरा हुआ जनता परिवार का कुनबा एकजुट हो रहा है। अब जबकि एकजुट होना तय हो चुका है तो कई सवाल भी सामने खड़े हैं। इसकी क्रेडिबिलिटी पर, लॉन्ग लास्टिविटी पर ये सवाल है। सवाल नीयत पर है, नेतृत्व पर है, नीति पर है। सवाल इस कवायद में है और इस कवायद में लगी देरी और टाइमिंग दोनों को लेकर सवाल है। लीजिए भाई, सियासत के बाजार में एक नए प्रोडक्ट ने दस्तक दे दी है। दो दशक पहले आजमाया हुआ फार्मूला जो फ्लॉप हो गया था, अब नई पैकिंग में कमाल करने के सपने पाल रहा है। दो पूर्ण बहुमत की सरकारों का हश्र देखकर उत्साहित हुए अतीत के जनता दल के साथ ही अब परिवार की एकजुटता का राग गा रहे हैं। अब शको शुभा की कोई वजह नहीं, जनता परिवार जुटने वाला है। सब दल एक हो जाए कोशिश की, सब दल के नेता आए हैं, बातचीत हुई है, अब आगे की मीटिंग फिर करेंगे। तो हमारी कोशिश है और नेताओं के रुकी भी कुछ सहमत है, वो भी अन्य दलों के लोग, कहां कब एक दल बनाना चाहिए। वैसे पिछले साल मई महीने में आए आवाम के फैसलों ने कितनों की सियासत की मिट्टी पलीत कर दी थी। कितनों का खाता ही बंद हो गया तो कितने ही इकाई दहाई के अंकों के फेर में यूं फंसे कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज उठाने के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ा। लिहाजा जरूरत ने एक बार फिर दोस्ती की याद दिलाई है। वरिष्ठता के क्रम में नेताजी को नेता बनाकर एक झंडे के नीचे पहले पारिवारिक रिश्तों की लौ जलाई गई, फिर उसकी आंच में नए समाजवाद की बुनियाद रची जा रही है। झंडा डंडा और चुनाव निशान सब कुछ है तैयार। जी हाँ, जुटने वाला है जनता परिवार। पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का झंडा, पार्टी का मैनिफेस्टो संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जल्द से जल्द पूरी करें। दरअसल बीजेपी को अगर दिल्ली की सत्ता का स्वाद मिला है तो इसका रास्ता यूपी और बिहार ने तैयार किया है, जिसने सीटों से भगवा खेमे की झोली भर दी। लहर ने जातीय समीकरणों की ऐसी कसर निकाली कि उसका असर अभी तक महसूस हो रहा है। सो पहला निशाना बिहार और यूपी ही है, जहां 2015 और 2017 में एक बार फिर सियासी महापरीक्षा के दौर से गुजरना है। लिहाजा लालटेन की रोशनी में तीर चलाकर साइकिल से सरपट सियासत साथ लेने की हसरतें फिर से कुलाचे मारने लगी हैं। आम आदमी के नाम पर नई सियासत और मोदी के नाम पर हुई हाईटेक सियासत का तिलिस्म टूटने लगा है। सो परंपरागत समाजवादियों का दिल बल्लियों उछल रहा है। अब एक चुनाव निशान के सहारे एक हुई ताकत का मुजाहरा होगा। यकीन मानिए, प्रयोग कामयाब रहा तो 2019 में देश के सामने चुनने के लिए कुछ और विकल्प मजबूती से खड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसके तमाम पहलू इसको समझने की कोशिश करते हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव और राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले टिप्पणियां जरूरी हैं, फप्तियां नहीं कसेंगे लेकिन टिप्पणी जरूर करेंगे। ज्ञानेंद्र जी, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो प्रेजेंट और फ्यूचर, इतिहास की थोड़ी झलक यहां पर ना देखने को मिल जाए, क्योंकि क्षेत्रीय नेताएं क्षेत्रीय ताकतें और सबकी अपनी अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं जो राष्ट्रीय एकता के रूप में आपको लगता है कभी दिखेंगे, क्योंकि सबका पॉलिटिकल और क्षेत्रीय इंटरेस्ट है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिलहाल ये न्यारी का ऐसा लगता है कि ये छह क्षेत्रीय दलों का महासंघ एक तरह से उभर के आ रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जो छह क्षेत्रीय दल एक हो रहे हैं या एक होने का प्रयास कर रहे हैं, इनका अपने अपने राज्यों के अलावा उसके बाहर कोई प्रभाव नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है
तो बिहार में नीतीश कुमार लालू यादव की पार्टियां हैं, कर्नाटका में देवगौड़ा की पार्टी है, तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की, और इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की। सवाल ये उठता है कि जो आप कह रहे हैं कि इतिहास से सबक लेने की बात, 1977 में जनता परिवार एक हुआ था, लेकिन ये याद करने की बात है कि उस समय कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाया गया था, और इस कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाने में बीजेपी भी शामिल की गई थी, यानी जनसंघ उस समय थी, जनसंघ को भी शामिल किया गया था, लेकिन इस बार बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कांग्रेस को साथ फिलहाल लेना दिखाई नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के साथ ये नया गठबंधन मिलकर चलेगा या नहीं चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो वो गैर भाजपाई मतों का विभाजन कैसे रोकेगा। ये तो ठीक है कि लोकसभा में वो अपने 14 सदस्य लोकसभा से ज्यादा, राज्यसभा में जहां 30 सदस्य इस गठबंधन के होंगे, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा सरकार के ऊपर कि हम एक होके खड़े हो गए, लेकिन अगर चुनावी मैदान की बात करेंगे तो चुनावी मैदान में ये गठबंधन वोटों की राजनीति कैसे करेगा, असली मुद्दा ये है। और कांग्रेस को अगर आपने बाहर रखा, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस बाहर रहेगी और ये मोर्चा गैर भाजपा गैर कांग्रेसी मोर्चा होगा, तो अगर कांग्रेस को आपने बाहर रखा तो बीजेपी तो इसमें खुशी होगी, बीजेपी तो प्रसन्न होगी। और देखिए बीजेपी ने क्या किया, अभी आप देखिए राज्यसभा में क्या हुआ, दो सरकारी विधेयकों को लेके बीजेपी ने एक बड़ी सफलता पाई जब उसने तमाम विपक्षी दलों को कांग्रेस से अलग कर दिया, तो कांग्रेस से अलग हुए और बीजेपी को फायदा हुआ, उसके दोनों दल निकल गए, लेकिन राज्यसभा की ताकत के दम पर ही आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ आपकी बात, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, इसको हम पकड़कर के विक्रम राव के पास जाते हैं। के विक्रम राव साहब, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने अंदर के भीतरघात से जूझ रही है, जनता के मुद्दे हवा हवाई हो गए हैं, वहीं मोदी सरकार जो अच्छे दिन की बात कर रहे थे, अब वो भी तमाम एक साल अभी थोड़े बहुत टाइम में, कुछ महीनों में हो जाएगा, तो वो भी अच्छे दिन ला पाने में अभी असमर्थ नहीं दिख रही है जो अच्छे दिन की बात करी थी। क्या आपको लगता है कि जनता परिवार इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगा कि ठीक है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी जिसमें सबसे ज्यादा एक यूफोरिया, एक लहर थी दोनों की, वो पूरा नहीं कर पाई, हम मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं और सामने निकल कर आते हैं, दोनों की विफलताओं को अपना मुद्दा बनाते हैं? निहारिका, शुरू में दो निष्कर्ष मेरी राय से जो है मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी तो एक बुलबुला था और बुलबुला है और फूट गया, वो बड़ी लोगों को गलतफहमी थी कि नई राजनीति आ रही, वैकल्पिक पार्टी बन रही है वगैरह वगैरह, शुरू से पता था कि बिना एपरेटस के, बिना संगठन के ये पार्टी हवाई पार्टी हो गई है। व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, जितनी भी विचारधारा हो जब तक पार्टी नहीं बनेगी तब तक विचारधारा को लागू नहीं कर सकता। लेनिन की कसौटी देखें, आप पार्टी एक गुब्बारा बनके खत्म हो गई। मैं इसकी तुलना नहीं करना चाहूंगा राष्ट्रीय पार्टियों से, लेकिन ये भी कहूंगा कि इस वक्त जो तीसरा विकल्प बन रहा है ये सही निर्णय है जो देर से लिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो गया है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बुढ़िया पार्टी हो गई है, जैसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में होती थी, ये 130 साल की पार्टी ऐसे लोगों के हाथों में है जिनको न राष्ट्र की कल्पना है, जिनको न कोई सोच है न कोई विचारधारा है, इनका उपाध्यक्ष गायब हो जाता है, लोग पता नहीं है, तो किससे तुलना करेंगे। इसीलिए मुझे लगता निहारिका, ये पार्टियां जो कम से कम लोहिया के नाम पे एक जमाने में साथ थी, आज फिर एक साथ आएंगी और निश्चित रूप से अगले 3 साल में एक सबल, सशक्त, सीधा विकल्प दे पाएंगी। नहीं, मुद्दा यहाँ पर मोदी होगा, मोदी की विफलताएं होंगी या फिर जनता, आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल विल पावर है जनता के प्रति या फिर पॉलिटिकल कंपल्शन है कि मोदी की पॉपुलैरिटी को हम भुनाते हैं, उनकी विफलताओं को हम भुनाते हैं और फिर हम इसका माइलेज प्राप्त कर लेंगे? नहीं यार, ये दोनों चीजें, हर चुनाव में दोनों चीजें होती हैं। यूं अमूमन लोग नेगेटिव वोट कहते हैं खिलाफ में, और पॉजिटिव वोट भी है, लेकिन अब इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से उपकाई आ गई है, इसलिए तीसरे विकल्प को जनता आकर्षित होकर देखेगी और मुझे लगता है कि मोदी की विफलताओं को गंभीरता से लेगी
और राजनीति में चूंकि रिक्तता नहीं होती है, उस रिक्तता को भरने के लिए ये पार्टियां निश्चित रूप से एक वैचारिक संबल और भूमिका निभाएंगी, मुझे लगता है। निहारिका जी, यहां पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है। अंग्रेजी में कहा जाता है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जनता दल के विलय की प्रक्रिया में तेजी आ गई। हम सवाल ये कि इससे नया राजनीतिक सूर्योदय देश की सियासत देखेगी जो दो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी के सहारे चलती आ रही है, और जो गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी की बात करती है, क्या एक मजबूत मोर्चा बनकर उभरेगी? क्योंकि इतिहास पर नजर डालें तो ये मोर्चा बना, टूटा, कई पार्टियों को जन्म दिया और सबने अपने पॉलिटिकल हित के कारण अपना अपना रास्ता नापा। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, हमारे साथ के विक्रम राव, ज्ञानेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पर अपना विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन एक और खास मेहमान राजीव रंजन साहब, जेडीयू नेता, हमारे साथ जुड़े। आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। राजीव रंजन जी, अगवा कौन होगा? सब ये जाते हैं, नीति सब पता है, नेतृत्व के बारे में सब पूछना चाहते हैं, नियत आगे साफ हो जाएगी, नेतृत्व कौन है? जैसे कि लालू प्रसाद यादव कॉन्फिडेंट आप होंगे ही नहीं कि भैया कब आपके साथ हैं कब नहीं। इनेलो में चौटाला जी थोड़े बूढ़े भी हो रहे हैं, वो भी घोटाले को फेस कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब हो रही है, तो नीतीश ही विकल्प है, नेतृत्व कौन कर रहा है इसका? देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जिन सवालों पर अब तक अटकलबाजियां होती रही हैं, असहमतियों के बीच सहमति किन बिंदुओं पर हुई है, ये तो आने वाले समय में आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज भी केसी त्यागी जी का बयान है, नीतीश कुमार जी ने भी कल बहुत सारी बातें कही हैं, हमारी पार्टी ने एक मजबूत पहल की और हम ये कह सकते हैं कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रभावी विकल्प बनने की दिशा में जनता परिवार के अंदर एका की कोशिशें अंतिम चरण में है। जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों पर लगभग सहमति हो गई है, और नेतृत्व का सवाल है तो अभी एका की कोशिशों के लिए मुलायम सिंह जी को अधिकृत सभी घटक दलों ने मिलकर के किया था, और नेतृत्व सामूहिक होगा ये सहमति है। जहां तक पूर्व के अनुभवों को लेकर के आपने अभी बात कही, मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की पार्टी और उनके पुत्र वहां सरकार के मुखिया हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी चौथी बार मुख्यमंत्री हुए हैं, और हरियाणा में कई बार 90 के प्रयोग के बाद कई बार चौटाला जी की सरकार बनी और चौटाला जी वहां मुख्यमंत्री हुए। तो हमारा ये मानना है, यही परिस्थिति कमोबेश देवगौड़ा जी की भी है, तो कई बार गलतियों से हम सबक भी सीखते हैं, और पूर्व में जो सरकारों के बीच लंबी आयु नहीं होने की बात हम कहते रहे हैं या सुनते रहे हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखा भी है इन नेताओं ने, और परिपक्वता के साथ जिन सवालों को जी आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं जी, कोई नेता जेडीयू का ये नहीं बोला अभी तक कि हमें अपने इतिहास से भी सीखना चाहिए और गलतियों से सबक लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली, उसी से दूसरा सवाल ये है कि आप गलतियों से सीख रहे हैं, उस समय के दौर को भी याद कीजिए। आप सामूहिक नेतृत्व की बात करें, उस समय भी तो सामूहिक, आज क्या है? और दूसरा, आप इतना आगे बढ़ गए, बहुत आगे आप बढ़ गए, तो एक बेस तो होगा, कुछ कागज कलम पर कुछ चर्चा तो ही होगी किसी नेतृत्व पे, चुनाव चिन्ह पर जिसको लेकर आप इतिहास में भुगत चुके हैं, वो चीज तो अभी उसमें क्लैरिटी रही होगी कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है, कि अभी भी बहुत मीटिंग्स का हमें इंतजार करना पड़ेगा एक जनता दल का फॉर्मेशन असल रूप में देखने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जो अलग अलग राज्यों में पार्टियों का नेतृत्व है, वहां भी उनको अपने दल के शीर्ष जो नेताओं का समूह है उनसे उनकी बातचीत होती रही है, और अलग अलग राज्यों में यह प्रक्रिया अंतिम दौर में पूरी होने के बाद जो इन दलों का शीर्ष नेतृत्व है वो पिछले दो तीन महीने में कम से कम 4 से 5 बार उनकी बैठकें हुई हैं, और अब जब आधिकारिक तौर पर इन दलों के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, और कोई लंबे समय तक इंतजार की बात भी उन्होंने नहीं कही है, सबने यही कहा है कि निकट भविष्य में इस
प्रस्तावित दल के गठन का ऐलान हो जाएगा, झंडे से लेकर के कार्यक्रम, इन तमाम सवालों पर केसी त्यागी जी ने भी आज बहुत सारी बातें कही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब पूरे संकल्प और विश्वास के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, जो उनकी नाकामियां हैं और जो उन्होंने वायदों की को भूल करके नए सिरे से देश में एक ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू की है, एक प्रभावी विकल्प एक ऐतिहासिक आवश्यकता के तौर पर उभर करके आई है। कांग्रेस से बात और हो रही हम सबों की ये जिम्मेवारी है, कांग्रेस से बात हो रही है क्योंकि अभी अभी आपका एजेंडा यही लग रहा है कि आपको मोदी के खिलाफ एक जनता दल बनाना है, ना कि मुद्दों में जो ढील बरती जा रही है उसके खिलाफ बनाया जा रहा है। कांग्रेस से बात हो रही है, कांग्रेस के नेताओं से बात हो रही है क्या? देखिए, अभी तो ये जिस सवाल पर आपने बुलाया है वो जनता परिवार के एका के सवालों को लेकर के है, लेकिन एक प्रभावी विकल्प के लिए कांग्रेस भी आवश्यक है और मोर्चा अगर बनता है तो हम तो ये कहेंगे कि महागठजोड़ का अर्थ होगा वाम दलों का, कांग्रेस का, और जो जनता परिवार का जो एक स्वरूप उभरेगा एक नए दल के तौर पर, ये सब मिलकर के जब एक अभी ऐसा मोर्चा बना है बिना कांग्रेस और बीजेपी के सपोर्ट के बिना बना नहीं है। आपने थोड़ा बहुत मुद्दा बता दिया कि किस दिशा में आप लोग जा रहे हैं, नेतृत्व कौन होगा इस पर आप क्लियरली आपको पता है कि कौन है लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। अब बहुत ही क्लोजिंग में मेरे पास कम समय, ज्ञानेन जी, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, और ये तो राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो राजीव रंजन जी कह रहे हैं एक बात ठीक से समझ लेनी चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूं कि तमाम क्षेत्रीय दल, जो छह क्षेत्रीय दल हैं, इनका अपने राज्यों के बाहर कोई वजूद नहीं है, तो ये महासंघ दूसरे राज्यों पर असर कैसे डालेगा? सिर्फ एक परिस्थिति हुई थी अभी कुछ समय पहले, बिहार में उपचुनाव हुए, वहां जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस का एक गठजोड़ हुआ और उन्होंने बीजेपी को पटकनी दी जी। तो ये एक वहां पर कायम हुई जिससे बीजेपी हारी, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। अब देखने की बात है कि उत्तर प्रदेश को अगर आप ले लें, यहां पे उत्तर प्रदेश में लालू यादव, नीतीश कुमार, लोकदल या देवागोड़ा या ममता बनर्जी क्या कर लेंगी? इन सारे दलों ने इम्पोर्टेंट है, थोड़े बहुत ताकतें हैं, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन एक फेज होगा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मुद्दे, उस पर आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। विक्रम राव साहब, बहुत ही जल्दी, क्या बिहार का चुनाव पहली अग्नि परीक्षा होगी अगर जनता दल सकुशल बन जाता है तो? हाँ बिल्कुल, बिहार सबसे पहला प्रयोगशाला होगी इसमें गठबंधन की, इन लोग नजदीक आने की। परसों हम लोग बद्रीशाल पिट्टी के जन्मदिवस पर साथ थे, मुलायम सिंह जी अखिलेश भी साथ थे, वही चर्चा भी हो रही थी। मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में ये सब लोग, नेता लोग एक झंडे, एक चुनाव चिन्ह लेके एक मैनिफेस्टो चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विकल्प और कांग्रेस का समर्थन हो या न हो, कांग्रेस अप्रसंगहीन पार्टी हो गई है। मेरे ख्याल से निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में ये लोग सफल होंगे क्योंकि देश को एक नई धारा देनी है। और यहां जो निहारिका आप कह रही थी कि कई कई खानसामे मिलकर खाना खराब करते हैं, अब इतना पिट चुके हैं, लुट चुके हैं, थक चुके हैं नेता लोग कि अब डर के मारे, भारतीय जनता पार्टी के आतंक से, उसके शोषे से घबरा के ये लोग लामुहाला एक पेड़ के नीचे रहेंगे। अब बाढ़ है, इनको सर्वाइव करना है, बचना है। निहारिका, राजीव रंजन जी, अब आपसे तो कमेंट बनता ही है, ये बताइए कि ये अभी आपका जो जनता दल है इसमें दो शब्द बताइए, आत्मविश्वास है कि या संकोच है या फिर मोदी का डर है, मोदी को हटाना है इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में जल्दीबाजी में लिया ये कदम है? देखिए, बिहार में जो लोग लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में जो उपचुनाव का परिणाम देख चुके हैं उन्हें ये पता है कि बिहार तेज रफ्तार एक फिर से बदलाव की दिशा में है और जो लोकसभा में उन्होंने जनादेश दिया बिहार की जनता ने, उपचुनाव में वो पूरी तरह से फिर नीतीश कुमार और लालू जी के साथ दिखे। तो ये ताजा परिणाम है और दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा कांग्रेस के मुकाबले में जहां भारतीय जनता पार्टी रही वहां भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है। लेकिन अगर कांग्रेस से अलग हटकर के कोई राजनीतिक शक्ति अगर किसी राज्य में है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कठिन चुनौती हम साबित होंगे बिहार में।
और हम बिहार में कठिन चुनौती यानी कि बिहार में पहली अग्नि परीक्षा होगी और उसको लीड निश्चित तौर पर नीतीश करेंगे, जो बहुत समय बाद एक 10 सेकंड का हैंडशेक करते मोदी से नजर आए थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। कांटा पूरा कांटे की टक्कर है और उम्मीद है कि आपका नियत नेतृत्व और जो नीति है वो साफ हो जाए, एक अच्छा जनता परिवार की जिसकी कामना आप कर रहे हैं, चाहे वो मोदी के खिलाफ हो चाहे वो मुद्दा को लेकर हो, गठन तो हो, जनता इसे भी देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।